ने इसीलिए ये फॉर्म भर दिया कि हमारा जो खाग मेरा यही कहना है, जो खाग ब्लॉक है आज तक इसके साथ बहुत ही इस्तेमाल हो गया है, इसलिए आज ये मैंने फॉर्म दिया। दूसरा ये सवाल है कि यहाँ एक आदमी ने बीजेपी का फॉर्म भर दिया, मैं हमारा इलाका है ये जो खाग इलाका है ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं बीजेपी को टिकने नहीं दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया है, लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, इसीलिए मैंने फॉर्म भर दिया आज़ाद उम्मीदवार के कैंडिडेट के। अगर अल्लाह ताला ने मुझे चाहा जिंदगी दी है, मैं बहुत ही कोशिश करूंगा कि जो यहाँ के गरीब जनता है, ये हमारे इलाका है, ये पसमांदा इलाका है, मैं बहुत ही सेवा करूंगा उन गरीब जनता के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे यही उम्मीद है यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ बीजेपी को भगाएंगे, जम्मू कश्मीर को बनाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, इसीलिए मैंने ये फॉर्म भर दिया। आप लोगों को पता ही, आप देखो हमारी रोडों की क्या हालत है, आप लोगों ने कहा किस रोड से आए, खाग रोड से आए कि ऊपर से आए, खाग रोड से आए, आप लोगों ने देखा नहीं है क्या हालत है हमारी रोडों का, क्या हालत है, ये हमारा खाग इलाका है, ये मेरे ख्याल से 40 साल से पीछे हो गया है, पूरे जम्मू कश्मीर 70 साल से पीछे हो गया मरकजी सरकार ने। मेरे यही उम्मीद है, मैं यही दावा करता हूँ, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफों से मोहब्बत करना, इंशाल्लाह मुझे ये शिबुल का पता चल जाएगा, परसों मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने आज़ाद उम्मीदवार का कैंडिडेट फॉर्म भर दिया, मुझे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसलिए मैंने ये फॉर्म भर दिया कि मुझे कानून में हो गया कि यहाँ एक आदमी ने बीजेपी का कैंडिडेट उसने फॉर्म भर दिया, क्योंकि मुझे कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी के कैंडिडेट से, मगर यही दुश्मनी है मुझे क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर की बर्बाद हो गया, इसीलिए मेरा लोगों से यही है कि मुझे बाले अक्सर से जिताए, मैं उन लोगों से खास कर खागों लोगों से, मेरा जो चाहे रिश्तेदार है चाहे पड़ोसी है कोई भी है, मैं उनके लिए मरते दम तक सेवा करता हूँ और करते रहूँगा। मुझे एक बार मुझे मौका दीजिए कि खाग खानों खाग बीरो ये खाग इलाके का मुझे जिताए कि आपको फिर पता चल जाएगा कि पूरे खाग ब्लॉक को मैं क्या कर सकता।